आदाब। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ कि जो बीते 5 सालों में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का चेहरा हम लोगों के सामने आया है वो वाकई बदनुमा हो चला है। और उसी के साथ साथ जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो आए दिन हमारे सामने मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सामने आ रही है कि वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। तो कुछ लोगों के आर्टिकल को हमने अपनी खबर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार उस आर्टिकल पर नजर डाल लीजिए जो लोग हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग मारे गए क्योंकि उनकी दाढ़ियां लंबी थीं और दूसरे कुछ इसलिए मारे गए क्योंकि उनकी खाल का रंग हमारी खाल के रंग से ज़रा ज़्यादा काला था। कुछ लोगों की हत्या की वाजिब वजह ये थी कि वो एक ऐसी किताब पढ़ते थे जिसके कुछ पन्ने में हमारी किताब के कुछ पन्नों से अलग बातें लिखी हुई थी। कुछ लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं बोलते थे। कुछ को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि वो हमारे देश में नहीं पैदा हुए थे। कुछ लोगों की हत्या की वजह ये थी कि उनके कुर्ते लंबे थे। कुछ को अपने पजामे ऊंचे होने के कारण मरना पड़ा। कुछ के प्रार्थना का तरीका हमारे प्रार्थना के तरीके से अलग था, इसलिए उन्हें भी मार डाला गया। कुछ दूसरों की कल्पना ईश्वर के बारे में हमसे बिल्कुल अलग थी, इसलिए उन्हें भी जिंदा नहीं रहने दिया गया। लेकिन हमारे द्वारा करी गई सारी हत्याएं दुनिया के भलाई के लिए थी। हमारे पास सभी हत्याओं के वाजिब कारण हैं। आखिर हम इन सब को ना मारते तो हमारा राष्ट्र, संस्कृति और धर्म कैसे बसता। तुम्हारे अधिकारों को संरक्षित करने वाले हर कानून को तोड़ निकालेंगे। जाति के नाम पर सितम हम ढाएंगे और सितम सहकर जातिवादी तुमको कहलवाएंगे। जाति है कि ये जाति नहीं है। भेदभाव से भरी मानसिकता में मानवतावादी विचारधारा आती नहीं है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी लोग हमें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंटरव्यू के नाम पर, वाइवा के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर न जाने हमारे होनहार प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा से रोकने के लिए कितने प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। बहुजन समाज को और मुस्लिम समाज को शिक्षा से रोकने के लिए सरकारी स्कूलों को खस्ताहाल बनाकर रखा गया है। उसे सरकार एक प्रयोगशाला बनाकर नित नए प्रयोग या खिलवाड़ बहुजन समाज के बच्चों और मुस्लिम समाज के बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। सरकारी कॉलेजों की संख्या भी जानबूझकर खस्ताहाल रखी गई है ताकि पैसे वाले प्राइवेट कॉलेज खोलकर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर सके। और जो लोग शासकीय शिक्षण संस्थानों में अपनी काबिलियत के दम पर पढ़ने पहुंच जाते हैं उन्हें जातिवादी मानसिकता से पग-पग पर सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपने आप को जातिवादी मानसिकता के सामने असहाय समझकर रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की तरह आत्महत्या का राह अपना लेते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जातिवादी मानसिकता से लड़ने के लिए बचपन से ही तैयार करना होगा। इसमें शामिल पत्रकारिता के कुछ बदनाम चेहरे भी हैं जिन्होंने सत्ता के तलवे चाटे, शोर शराबा करना और भौंकना जिनकी आदत पड़ चुकी थी। आज 4-5 दिन से जब से विपक्ष ने इनका बायकॉट किया है इनके स्टूडियो में सन्नाटा छा गया है। दम घुट रहा है इनका आज, क्योंकि चिल्लाएं तो चिल्लाएं पर किस पर चिल्लाएं। और अब चिल्लाहट के नतीजे का आलम ये है कि शीशे के आगे खड़े होकर ये एंकर अपनी चिल्लाहट निकाल रहे हैं। आप मानो या ना मानो दुनिया में जितना मुन्नी बदनाम नहीं हुई, उससे ज्यादा हिंदुस्तान का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त और साथ में दलाल मीडिया बदनाम हुआ है। ये जो बदनामी का दाग लगा है, दुनिया का कोई भी डिटर्जेंट इसे नहीं धो पाएगा। बंगाली एक्टर ममता का प्रचार करता है तो देशद्रोही, बंगाली एक्टर बीजेपी ज्वाइन करता है तो देशभक्त, सपना चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो चरित्र पर लांछन, सपना चौधरी 2 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो सती सावित्री। सोच बदलो, दिमाग में शौच ना भरो। अंजना, इतना भी अहंकार में आकर आसमान में मत थूको, वो तुम्हारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। सारा मेकअप तितर बितर हो जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बीएसपी और एसपी के वोट कहाँ गए। वो तो चालाक लोमड़ी ईवीएम ने निगल लिए और इलेक्शन कमीशन से मिलकर मोदी ने पेट फाड़ कर निकाल लिए। देखिए भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। उन्नाव रेप के मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर, बीजेपी के सम्मानित सदस्य साक्षी महाराज, सांसद, भाजपा गैंगरेप और मर्डर के आरोपी बीजेपी विधायक से मिलने जेल पहुंचे और बोले कि धन्यवाद देने आया हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बदनुमा चेहरा इतना दागदार हो चुका है कि अब वो चाहे किसी डिटर्जेंट से धोने की कोशिश करें, वो धुलने वाला नहीं है। और ना ही अब उनके चैनल की टीआरपी वो रह गई है, जिससे अब हमारा गोदी मीडिया बर्बादी के कागार पर आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उनके पास चिल्लाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के वो प्रवक्ता मौजूद नहीं हैं, जिनके ऊपर वो चिल्लाहट के जरिए अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो टीआरपी अब निचले स्तर पर आकर के खड़ी हो गई है। ये हमारी देश की जनता पहले ही इन लोगों के मंसूबे को समझ चुकी थी, पर अफसोस हार के बाद 2019 में हमारे विपक्ष को ये ख्याल आया कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया का 1 महीने तक के लिए बायकॉट कर देना चाहिए। यहाँ 1 महीने के लिए सिर्फ न्यूज चैनलों का बायकॉट नहीं होना चाहिए, कम से कम अगले चुनाव के लिए 2024 तक के लिए इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। जिस तरह वो समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, वो वाकई देश के लिए अफसोसनाक बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारे विपक्ष को 2 से 3 साल पहले ध्यान देना चाहिए था, पर वो आंखें मूंदे इस कदर बैठे रहे कि उन्हें अब जाकर के होश आया चुनाव हारने के बाद कि हमें अपने प्रवक्ताओं को जाने से रोकना चाहिए। क्योंकि जिस तरह समाज में नफरत फैलाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, वो घातक हो चला है, जिसे लेकर के तमाम आर्टिकल हम लोगों के सामने आए और लोगों ने अपनी राय को रखा कि वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं और लोग इसके बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। ये जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, ये आम जनता की प्रतिक्रियाएं हैं, जिसे हम एक माध्यम बने हैं उन लोगों की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का। तो हम अक्सर इन खबरों को लेकर के आपके सामने जुड़ते रहे हैं और अक्सर इन खबरों को लेकर के आपके सामने जुड़ते रहेंगे। वो हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, पर हम हर खबर की जड़ तक आपको पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम सत्ता की गुलामी में नहीं बैठे हुए, सत्ता की गोद में नहीं बैठे हुए, हम आपकी आवाज हैं। और हम बार बार एक बात को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ही आपकी आवाज है और आपकी आवाज को चाहे कोई भी सत्ता में आ जाए वो दबा नहीं सकता, और ना ही हम आपकी आवाज को दबने देंगे। क्योंकि जिस तरह ये लोग बहिष्कार करने पर, इनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को करने पर लगे हुए हैं, वो वाकई देश के लिए घातक है। हमें मालूम है कि किस तरह सच्चाई बयां करने पर अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ हुआ और हमारे साथ हुआ। ये बार बार आप लोगों को ध्यान दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत घोलेंगे। और हम इन लोगों के सामने प्यार भरा पैगाम और जो लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं उन लोगों की आवाज को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।